पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को हड़ताली प्रारंभिक शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों का उनके आवास पर जाकर घेराव किया। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी का घेराव दरभंगा शहर के मशरफ बाजार स्थित उनके आवास पर किया गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के मोहम्मद रजाउल्लाह, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संजय कुमार झा, बलराम राम, रफीउद्दीन, संजय कुमार राय आदि शिक्षक नेताओं ने नगर विधायक संजय सरावगी को ज्ञापन सौंपा। हम लोग विधायक जी का घेराव किए हुए हैं। हम लोग समन्वय समिति के निर्देशानुसार हम लोग आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधायक जी का घेराव किए हुए हैं। हम लोग उनसे कहें कि हमारी विधानसभा में मांग उठाइए, जब तक हम लोग को समान काम समान वेतन और अन्य मांग की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यह घेराव और कार्यक्रम जितनी है वो चलती रहेगी। सर ये सारे टीचर सब आपके यहाँ आए हुए हैं सर, क्या दरभंगा नगर विधानसभा के सैकड़ों शिक्षक आज मेरे आवास पर मेरा घेराव करने आए हैं। जो मांग है उस मांग के साथ हम लोग एक ही विद्यालय में कोई बहुत ज़्यादा पैसा तनख्वाह पा रहा है, उसी विद्यालय में बहुत कम राशि पर दूसरे लोग सेम वही काम कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं। और अभी तक जो नियोजित हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला है, सेवा सामंजस्य नहीं मिला। भागलपुर, सीतामढ़ी, शिवहर के लोग 200 किलोमीटर पर आके यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं और मिलता कितना है? किसी को 12,000, किसी को 15,000, किसी को 18,000, कैसे खर्चा चलेगा? सरकार को इस पर लिबरल एटीट्यूड करके सेवा सामंजन कर देना चाहिए कम से कम। जहाँ जहाँ जिस जिले में लोग हैं, जिस प्रखंड में हैं, उस प्रखंड में उनका हस्तांतरण हो जाना चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक में लिखा हुआ है कि अहस्तांतरित पद है। सरकार के नीतिगत निर्णय से ये सब सही होने वाला है। ईपीएफ पीएफ वगैरह तो प्राइवेट ऑफिस में, प्राइवेट संस्था में जो नौकरी करता है उसका भी प्रोविडेंट फंड कटता है, लेकिन नियोजित शिक्षण का काम करते हैं इनका पीएफ नहीं कट रहा है। वेतन वृद्धि जरूर होनी चाहिए, सेवा सामंजन होना चाहिए। अगर सरकार को समान काम समान वेतन देने में समस्या है तो ठीक है, तनख्वाह बढ़ा दे, वेतन बढ़ा दे, और जो मांग है उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन सब का पालन करना चाहिए। इसलिए इन लोग की जो मांग है उस मांग के साथ हम ही नहीं, एक एक विधायकों का इसमें समर्थन और सबकी इच्छा है। दूर दूर से 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आके सेवा देते हैं और वहीं जो परमानेंट टीचर है वो अपने घर के बगल में रह के सेवा दे रहे हैं। ये सरकार को इन सभी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और उनको अपना परिवार का भविष्य का चिंता नहीं रहा है तभी अच्छा शिक्षा दे सकता। तो मेरा मानना है कि शिक्षक का जो मांग है निश्चित रूप से जायज है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जब हम चर्चा करेंगे किसी चीज़ का उसी में आगे पीछे बात रखी जा सकती है, सरकार की मजबूरी और शिक्षक का मजबूरी, दोनों का समावेश समन्वय होगा तब जाके समस्या का समाधान होगा। तो निश्चित रूप से सरकार के पास शिक्षक का समस्या दूर करने के लिए निदान का रास्ता भी है। सरकार बेमतलब वोट के राजनीति के लिए बच्चे को प्रलोभन, बच्चा के पिता माता का वोट लेने के लिए प्रोत्साहन राशि देते हैं, साइकिल देते हैं, खिचड़ी देते हैं, तो उत्तम नहीं है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए सही व्यवस्था है कि बच्चे शिक्षित हो, तब जब शिक्षित बच्चा होगा तब समाज का विकास होगा। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आज पूरे दरभंगा के 10 विधायक को हम लोग को घेरना है। आज हम लोग नगर विधायक को घेरे हैं और सैकड़ों की तादाद में हम सभी शिक्षक यहां एकजुट हुए हैं। हमारे माननीय नगर महोदय विधायक महोदय ने कहा है कि आपकी जो ही मांगे हैं वो जायज़ है और इस मांग को हम जो है विधानसभा में ज़रूर क्वेश्चन उठाएंगे। हम सर से आग्रह भी किए हैं कि मेरा जो मौलिक अधिकार है समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, पेंशन आदि और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है ये भी आप मेरी आवाज़ को उठाइए। हमें असम्मान नहीं मिल रहा है, हम जो है नियोजित शिक्षक के नाम पे मेरे ऊपर एक धब्बा और कलंक है, इसको मिटाने का कम से कम आप काम कीजिए। मैं रफीउद्दीन, बिहार जिला अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक।
क्या करना। समन्वय समिति के आह्वान पर जैसा कि आज हमारे सभी विधायकगण को मांग पत्र देते हुए अपनी आवाज़ को रखना था, उसी दिशा में आज माननीय नगर विधायक संजय सरावगी जी के आवास पर हम लोग सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में जुट करके अपनी मांग को रखे हैं। और माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगें जायज हैं और इन मांगों को लेकर के हम मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे, सदन में भी आपकी आवाज़ को उठाएंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम सभी साथी को भी धन्यवाद देते हैं कि इस आंदोलन में आप पूरी शक्ति के साथ अपना समय दे रहे हैं। बलराम राम, जिला अध्यक्ष बिहार। आज आप लोग जी के घर पर घेराव किए हुए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुई थी कि 1 तारीख को हम लोग अपने क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय पर जाके अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में उनसे अवगत करावे और उनसे आग्रह करें कि हमारी मांग जायज है और ये मांग विधानसभा में उठनी चाहिए और मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग हम लोग इस बार उठा रहे हैं कि हमको वेतन मान से ज्यादा आवश्यक, हमें सम्मान मिलना, हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना, हमारी EPF कटौती हो, हमें एक हमारी ट्रांसफर की पॉलिसी बदले। हम लोग पूरे बिहार में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर सभी विधायकों के घर पर घेराव किए हैं। मेरा मुख्य मांग जो है सेवा शर्त और समान काम समान वेतन जब तक हम लोगों को नहीं मिलती है तब तक मेरा हड़ताल जारी रहेगा। और नगर विधायक को हम लोग अभी घेरे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी मांग जायज है, आपकी सारी मांग के साथ हम खड़ा है, हम आगे विधानसभा में भी इसकी उठाएंगे। और जो नगर में शिक्षकों पर जो कार्रवाई हुई है उसको भी वापस कराने का भरोसा दिया है। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के सभी माननीय विधायक को अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपना था। आज हम लोग अपने क्षेत्रीय विधायक श्री अमरनाथ गांधी के यहाँ गए हुए थे, हमारे साथ शिष्टमंडल में ये सारे लोग चले गए, इसके अलावा और भी कुछ लोग चले गए हैं, वो सारे लोग थे। तो उसमें माननीय विधायक से जो बात हुई, माननीय विधायक ने एकदम जो मिनिमम लेवल की जो बात है वहाँ से हम लोगों के साथ बातचीत किए, हम लोग भी अपनी बातों को बहुत ही तफसील से रखे, उन्होंने भी अपने बातों अपनी जवाब में बहुत ही तफ